हाय डियर ऑल लीडर्स, इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग IBU मीटिंग और वन डे ट्रेनिंग्स। ये जो ट्रेनिंग होगा इसके अंदर पूरा एक्टिव रोल सिखाया जाएगा और कुछ सिस्टम के पॉइंट टच किए जाएंगे और कुछ जो भी छोटे छोटे आपको लगता है कि मिस्टेक कर रहे हैं लोग उसको रिकवर किया जाएगा। और यही एक्टिव रोल अगर उनकी टीम में बनता है तो वो पैसिव रोल पर जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ आपको पहला क्लियर होना चाहिए, आप जो भी मीटिंग कर रहे हो, जो भी लीडर्स है, उनको आपको कहाँ तक लेके जाना है, मतलब उनके इनकम के हिसाब से या उनको हाउस बोनस तक लेके जाना है। आपको पहला क्लियरिटी होना चाहिए। कोई भी मीटिंग, कोई भी कॉल, कोई भी काम जब करते हो तो उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ROI क्या होगा, ये आपको क्लियर कट पड़ना चाहिए। तो ये IBU मीटिंग में आपका टारगेट क्या है वो आपको पहला डिसाइड होना चाहिए। अगर उनको वो टारगेट पे लेके जाते हो तो आपका इनकम कहाँ पे जाएगा, ये भी आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। तो पहला चीज़ IBU मीटिंग में आपके जो भी इंडिपेंडेंट लोग हैं उनका महीने का चेक्स कितना निकलेगा, मतलब कौन से लेग पर कितना काम करने के बाद उनका चेक कितना निकलेगा, टेंटेटिवली आपको मीटिंग में या वन बाय वन फोन के ऊपर उनके दिमाग में महीने के स्टार्टिंग के पीरियड में ही डालना जरूरी है, ताकि लोगों को क्लियरिटी मिलती है कि कौन से लेग में मुझे काम करना है। क्लियर कट पहला पॉइंट क्या कि लोगों के मंथली टारगेट सेट करो, इतना इनकम, इतना इनकम करने के लिए आपको ये लेग से इतना बिजनेस, ये लेग से इतना बिजनेस, इतने ये लो भी ये फंड आपको अचीव करने होंगे, ये आपका दिमाग क्लियर कट होना चाहिए। मतलब आपके टीम में जो भी लीडर्स है उनको महीने में जो इनकम चाहिए वो इनकम कब मिलेगा, ऐसा ऐसा लेग पे काम करने के बाद, और फिर वो एक्टिव काम, और फिर उनके टीम में कुछ एक्टिव काम करने के बाद वो टीम वर्क के थ्रू वो टारगेट ऐसे हो गए। कुछ टारगेट ऐसे हो गए कि वो खुद अकेला काम करेगा 10-12 डिस्ट्रीब्यूटर के साथ तो टारगेट पूरा होता है, कुछ टारगेट ऐसे होते हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ काम करना पड़ता है। तो पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि आपके जो लोग से उनको टारगेट दे के टारगेट के ऊपर पुश करना जरूरी है रेगुलरली। दूसरा पॉइंट, ये जो इंडिपेंडेंट लोग हैं इनका वाई क्लियर करना बहुत जरूरी है। कभी कभी इनका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। एनालिसिस मतलब कितने साल से नेटवर्किंग कर रहे हैं, कभी कभी ये पॉइंट लेना जरूरी है। जनरेशन प्लान ने कितने दिन से मेहनत कर रही, उसके बाद कितना प्लान दे रही, ये थोड़ा एनालिसिस के ऊपर टॉक करूँगी। लास्ट मंथ में कितना प्लान हुआ, खुद के लिस्ट के ऊपर, डाउनलाइन के लिस्ट के ऊपर, प्लान के बाद कितने रिजल्ट्स, कितने PV आ रहे, कितने फास्टैग आ रहे, कितने कस्टमर बन रहे, तो आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कर नहीं रहे तो क्यों नहीं कर रहे, हो सकता है अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, लोग नहीं है, लिस्ट नहीं है, तो उसके ऊपर सोल्यूशन देना होगा। और हो सकता है काम कर रहे लेकिन कस्टमर बन रहे या कम PV आ रहे, तो भी समझ लो कि प्लान में गड़बड़ है। उसके बाद अगर फास्टैग कन्वर्ट नहीं हो रहे, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू फास्टैग कन्वर्ट नहीं हो रहे, कस्टमर के थ्रू फास्टैग कन्वर्ट नहीं हो रहे, मतलब रिलेशन में गड़बड़ है, लोग रिलेशन या सेल्स के बाद जो सर्विस वाला कम्युनिकेशन होता है वो शायद प्रॉपरली टच नहीं हो रहा है, तो इस वजह से कस्टमर से फास्टैग, डिस्ट्रीब्यूटर से फास्टैग कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो ये आपको सब एनालिसिस आना चाहिए, मतलब ये लोगों के ऊपर। तो ये जो पास्ट ध्यान में रखकर ही आप प्रेजेंट का प्लानिंग कर सकते हो। तो ये हुआ एनालिसिस के ऊपर टॉक। उसके बाद अभी ये लोगों को कितना कमाना है ये महीने में क्लियर है, अभी एनालिसिस। तो ये एनालिसिस आप पहले पॉइंट में भी कर सकते हो और दूसरे पॉइंट में आप इनकम सेट कर सकते हो, या आप इनकम सेट कर सकते हो और फिर एनालिसिस के ऊपर जा सकते हो। फिर अभी इनको मार्केट में काम करना है तो इनको लोगों के गोल सेट कैसे करने, नए लोगों के गोल सेट कैसे करने, आफ्टर परचेस प्रोसेस कैसे करना है, ये एक स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला इनका जो लोगों के साथ आप बात करने वाले उनका वाई क्लियर करवाना है आपको, उनको नीचे वाले जिन लोगों के साथ वो काम करेंगे उनका वाई क्लियर करवाना जरूरी है। ये आफ्टर परचेस गेट स्टार्ट में तो आएगा ही, लेकिन अभी फिलहाल जो लोग हैं उनका वाई क्लियर, मतलब उन्हें समय देना चाहिए, रिजेक्शन फेस करना चाहिए, बिजनेस के अंदर जो रिजेक्शन आएगा, जो लॉ ऑफ एवरेज, जो 150-200-300 लोगों तक एक पर्सन के थ्रू जाना है, उसके लिए रेगुलर जो कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंसी उनके साथ होना जरूरी है। तो ये लोगों को वो स्किल मैटर करता है, वो रेगुलर लोगों को नॉलेज लेने के लिए तैयार करवाना, तो ये सब चीज़ें स्टार्टिंग के पॉइंट में आएगी। तो इन लोगों के साथ ये स्किल होना जरूरी है कि नीचे वाले लोगों को ट्रैक पे रखे, मोटिवेटेड रखे, गोल सेट रखे, उनके रीज़न, उनके डाउट छोटे मोटे सॉल्व करे। ये हुआ गोल सेटिंग का पार्ट। अभी नेक्स्ट पार्ट आता है
प्रोडक्ट यूज एंड प्रोडक्ट शेयर। तो प्रोडक्ट यूज क्यों करना जरूरी है, तो इनको जो आपके इंडिपेंडेंट लोग हैं तो इनको ये पता होना चाहिए, तब ये टीम में बोलेगी प्रोडक्ट यूज करना जरूरी है। फिर प्रोडक्ट शेयरिंग के प्रैक्टिकली टेक्निक, तो आप कुछ सिखाते हो तो लोग बहुत बार सीखते हैं सिर्फ, लेकिन करते गलत है। तो कभी कभी प्रोडक्ट यूज और प्रोडक्ट शेयर के प्रैक्टिकली लोगों को बोलो, इसको प्रोडक्ट बेच के दिखाओ, इसको प्रोडक्ट बेच के दिखाओ, ऐसा प्रैक्टिकली कुछ करना जरूरी है। तो यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, ये प्रैक्टिकली सेशन आप ले सकते हो, प्रैक्टिकली स्किल दे सकते हो। उसके बाद आपको लिस्ट के ऊपर टॉक करना है, लिस्ट नहीं है तो नए, बहुत सारे लिस्ट के कैटेगरीज होती है अलग अलग। कोई दुकानदार, हम लोगों ने LDP के अंदर देखा है कि लिस्ट के अंदर कहाँ कहाँ पे नेटवर्क निकलता है, मतलब फ्रेंड्स हो, स्कूल के हो, जॉब के हो, कोई शॉपकीपर हो या सलून वाला हो, भाजी वाला हो, ट्रेलर हो, दूध वाला हो, ऐसे बहुत सारी लिस्ट निकलती है, तो ये रिमाइंड करना जरूरी है। दूसरी बात, व्हाट वार्म कोल्ड के अंदर जो कोल्ड कैटेगरी है, स्ट्रेंजर लोग के साथ रेगुलर रिश्ता कैसा बनाना है, रेगुलर उनके कॉन्टैक्ट्स कैसे लेने, वो भी थोड़ा स्किल देना जरूरी है, ताकि लिस्ट अपडेट हो जाएगा। जिन लोगों के पास लिस्ट नहीं है, जो पुराने नेटवर्क कर रहे थे, उन लोगों को ये फॉर्मूला देना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है IBO के अंदर, इन्विटेशन। इन्विटेशन में आपके इंडिपेंडेंट लोग परफेक्ट होने चाहिए। तो इन्विटेशन अलग अलग टाइप्स होते हैं इन्विटेशन के, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, लोकेशन वाला अप्रोच हो, ओपिनियन वाला अप्रोच हो, मतलब ये अलग अलग टेक्निक्स है। ये 10-12 फंडे पता होने चाहिए। तो ये फील्ड पे प्रैक्टिकली जब डिस्ट्रीब्यूटर के साथ उसको सिखाएंगे, फिर वो बोलेगा, फिर उसको ऑब्जेक्शन आएगा, तो जो इंडिपेंडेंट काम करने वाला परफेक्ट पर्सन है वो इन्विटेशन में मास्टर होना चाहिए। तो आपके लोग जो है वो सिर्फ प्रेजेंटेशन क्लोजिंग के लिए मास्टर करने से कुछ फायदा नहीं है, प्रोडक्ट बेचने के लिए। तो ये स्किल के अंदर मास्टर अगर होते तो उनके प्लान प्रेजेंटेशन मैक्सिमम बढ़ेगी। अगर इन्विटेशन स्किल ही नहीं होगा तो प्रेजेंटेशन कैसे होगी? तो आपको क्या करना होगा, इन्विटेशन के लिए आपके टीम में लोगों को मास्टर बनवाना होगा अलग अलग टाइप्स में। अभी नेक्स्ट आता है, इन्विटेशन के अंदर भी नीड क्रिएशन, बहुत सारी चीज़ें आते हैं, मतलब वो पूरा फॉर्मेट है। अगर इन्विटेशन के ऊपर बात करेंगे तो 1.5-2 घंटे का ट्रेनिंग सिर्फ इन्विटेशन के ऊपर हो जाएगा सिचुएशन के हिसाब से। उसके बाद आता है नेक्स्ट प्लान प्रेजेंटेशन, मतलब CEO कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। तो उससे पहले क्या तैयारी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन वाला पर्सन के पास क्या तैयारी होनी चाहिए, तो उस रिलेटेड ड्रेस कोड हो कौन सा चाहिए, टूल्स क्या क्या चाहिए, उसके बाद प्रोडक्ट कौन से चाहिए, डेमोस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या लगेगा, डेमोस्ट्रेशन करते वक्त क्या बोलना है, फास्ट का डेटा हो, रिजल्ट का डेटा हो, पेआउट का डेटा हो, या कुछ वीडियो हो, कुछ शॉर्ट शेयरिंग्स हो, यूट्यूब के अंदर कौन से वीडियो कहाँ पे कौन से टाइमिंग में कितने सेकंड दिखाना है, मतलब ये पूरा फॉर्मेट आपके लोगों को आपको देना जरूरी है डेटा के साथ। अगर आप IBO कर रहे हो आप, तो सिर्फ ये बताना, थेरी बता, ये करेगी, ऐसा करो, ऐसा करो, नहीं, एक्चुअली करके दिखाना जरूरी है। क्योंकि जब आप लोग काम करते तो उनके हिसाब से करते, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें कम रखते। जब कोई हम रेस्टोरेंट में, अच्छे खासे होटल में, जहाँ पे टेस्ट परफेक्ट होता है ना, वो कोई भी चीज़ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो जब आप 1-to-1 प्लान से पहले ये सब प्रिपरेशन करके लोगों को देना है, मतलब डेटा हो या टूल्स हो या प्रोडक्ट हो या प्रेजेंटेशन की आने वाली सभी चीज़ों के साथ तैयार होना चाहिए आपका इंडिपेंडेंट पर्सन। ये जो लोग है उनको सिखाना है। और आपके IBO मीटिंग में आपके पुराने भी लोग हो गए, और जिनको नया कुछ बनवाना है ना आपको इंडिपेंडेंट, तो उन लोगों को भी इन्वॉल्व करना जरूरी है, ताकि उनको भी पता चलेगा, पुराने लोगों का रिपीटेशन होगा, उनकी मिस्टेक सुधरेगी और नए लोगों को टीचिंग मिलेगी। तो ये IBO ट्रेनिंग के अंदर भी परफेक्ट हो गए, लेकिन फील्ड के अंदर जिनके साथ आप काम करते हो वही पे लोग इंडिपेंडेंट बनना चालू होते हैं, क्योंकि वही पे ही आपको उनको सिखाने का चालू होता है। तो उनको बोल सकते हैं, सर आप प्लान शुरू करो, इतने देने के बाद मैं आपको पूछने वाला हूँ आप क्या सीखे हो। फिर चलते चलते काम करते हो तो रिजल्ट आता है, नहीं आता है तो लॉ एवरेज एवरेज चलते चलते आपको सीखना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लॉ ऑफ एवरेज इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, काउंटिंग इंपॉर्टेंट है। सिर्फ लोगों के साथ काम करने से मजा नहीं आएगा, तो लोगों का पिछला रिकॉर्ड भी मैटर करता है। सिर्फ प्रेजेंट में काम करो, फ्यूचर, फिर वो कमिटमेंट ब्रेक 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 हो रहा है तो पीछे का पता होना चाहिए, तब करंट काम होगा। तो ये होगा प्रेजेंटेशन से पहले प्रिपरेशन के ऊपर आपको टॉक करना होगा। अभी आप ये सुन रहे हो तो ये कंटेंट्स आप डायरी पेन के अंदर निकल कर इसके ऊपर आप बहुत बढ़िया ट्रेनिंग ले सकते हो, लेकिन आपको क्या करना होगा, ध्यान से इसको सुनना होगा, समझना होगा और नोट्स निकालने होंगे, तब आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन प्रॉपरली होगा। उसके बाद प्रेजेंटेशन के अंदर जो आप प्रेजेंटेशन के पहले डिस्ट्रीब्यूटर क्या गलती करते हैं,
तो प्रेजेंटेशन के स्टेप क्या होगी वो तो उनको सीखना है, 1-to-1 प्रेजेंटेशन में बिगिनिंग क्या होगी, फिर प्रेजेंटेशन के अंदर टाइप्स होता है, कजन जूमर बेस्ड प्रेजेंटेशन देना है या डिस्ट्रीब्यूटर बेस्ड देना है, जब आप लोग टॉक करते हैं तो आपको पता चलता है प्रेजेंटेशन के बाद। उसके बाद कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का प्रेजेंटेशन फ्रेंचाइज बेस अलग होता है, या डिस्ट्रीब्यूटर को फास्टैग का प्लान देके उसको फास्टैग में कन्वर्ट कर रहा है, अलग अलग टाइप्स के प्रेजेंटेशन है बिजनेस बूस्ट करने के, क्योंकि प्रेजेंटेशन हमारे बिजनेस का हार्ट है, इससे ही बड़ा बूस्ट होता है बिजनेस। तो इसके अंदर अलग अलग टेक्निक आपके टीम में आपको पता होनी चाहिए, ये टीचिंग रेगुलरली होना चाहिए ताकि पुराने लोगों का रिपीटेशन होगा, नए लोगों का लर्निंग होगा और वो सीखना चालू करेंगे। प्रेजेंटेशन में ओपनिंग कैसा होना चाहिए, फिर माइंडसेट कैसा होगा, फिर वो सपने हो गए, फिर रॉबर्ट कियोसाकी, फिर डायरेक्ट सेलिंग, फिर मैन्युफैक्चरिंग कस्टमर, फिर कंपनी का प्रोफाइल, फिर कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर जाना है, प्रोडक्ट के ऊपर जाते समय फिर डेमोस्ट्रेशन, फिर प्रोडक्ट का 2-8 जो पे प्रोडक्ट का फील हो, स्प्रे हो, बॉडी लोशन हो या कुछ प्रोडक्ट हाथ में देकर आप सैंपल, उसका स्मेल, मतलब इस वजह से आपका ट्रस्ट बिल्डिंग होता है। और प्लान जब आप देते हो तो एकदम सिंपल देना है, प्लान देते देते आदमी को आपको ये करना है, आपको वो करना है, मतलब सिर्फ ईजी लगना चाहिए, जुड़ने के बाद हम लोग उनको समझा सकते हैं, लेकिन प्लान के अंदर ही ट्रेनिंग चालू करेंगे लोगों को डर लगेगा। लोगों को जब आसान लगना चाहिए प्रेजेंटेशन, ऐसा प्रेजेंटेशन जाना चाहिए। तो छोटे बच्चों को हम लोग डायरेक्ट खाना नहीं खिला सकते ना, 2-3 महीने के बच्चों को, तो दूध से चालू होता है। तो प्रेजेंटेशन का सही स्मूथ वे आपको लोगों को समझाना होगा, सही स्मूथ वे से अगर लोगों को समझाएंगे तो बहुत मजा आएगा। उसके बाद प्रेजेंटेशन के बाद जब आप ये प्लान एंड करते हो तो फास्टैग का प्लान आप कैसा देते हो, तो उसके अंदर प्रैक्टिस जरूरी है, फास्टैग ईजी फास्टैग कैसा समझ सके, ताकि एक अमाउंट फिक्स हो जाएगा हमें क्लोजिंग करने के लिए। फिर क्लोजिंग अमाउंट मांगेंगे तो ऑलमोस्ट 2-4-5 क्वेश्चन तो आने वाले, सवाल के जवाब जब प्रेजेंटेशन सही ढंग से देते हो तो बहुत सारे सवाल डिलीट हो जाते हैं, सवाल ही नहीं होते। लेकिन जो लोग प्रेजेंटेशन ही गलत देते तो उनको बहुत सारे सवाल आते, फिर वो हैंडल करते बैठते और फिर रिजल्ट नहीं आता। तो प्रेजेंटेशन ही ऐसा देना है कि आपके ऑब्जेक्शन कम होना चाहिए, फिर वहाँ पे सवाल को जवाब कैसे देने, फिर क्वेश्चन आंसरिंग कैसा करना है, फिर वो डेटा कौन सा डेटा कहाँ पे, कौन सा डेटा कहाँ पे, क्या क्या प्रूफ, कैसे कैसे एविडेंस आपको दिखाना है, वो आपको सिखाना होगा। उसके बाद ऑन द स्पॉट कैश आएगी या कुछ कस्टमर का छोटा मोटा ऑर्डर मिलेगा, क्या होगा हम लोग ऑन द स्पॉट करेंगे तो या तो फास्टैग शायद में आएगा या तो डिस्ट्रीब्यूटर 4-5 हज़ार रुपये तक आदमी क्लोज होगा, या कस्टमर प्लस रिटेलर बनेगा, या कस्टमर बनेगा, या सिर्फ डेट देगा, या कन्फ्यूज रहेगा, यही होगा ना क्लोजिंग के बाद। ये पॉइंट आपको सीखना जरूरी है प्रेजेंटेशन के अंदर, क्लोजिंग मतलब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करके ऑनली और इनकैशमेंट। अगर यहाँ पे नहीं होता तो फॉलोअप में जाएगा, फिर आप फॉलोअप के ऊपर क्या क्या इशू आते, लोग डेट देते, कल करता हूँ, परसों करता हूँ, 2-3 दिन, अगर ज़्यादा डेट दे रहा है तो डेट को कैसा कम करना है, सामने वाला सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग पैसे हो गए फिर भी ना बोलेंगे और कुछ लोग नहीं है इसलिए ना बोल रहे, तो आदमी को जुनून नीति समझना बहुत जरूरी है, सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग में, और क्लोजिंग में अर्जेंसी क्रिएट करना जरूरी है। जब अर्जेंसी क्रिएट करना है आपको तो क्या करना जरूरी है कि अभी अगर आप राइट टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग से करोगे इतने अमाउंट से करोगे तो आपके नीचे इतने अमाउंट से लोग आएंगे तो इतना बड़ा बड़ा चेक निकलेगा। जब आप स्ट्रक्चर समझ जाते हो ना मल्टीप्लिकेशन का, वहीं पे आदमी क्लोज होना चाहिए फ्यूचर दिखा के। बाकी ऑफर डिस्काउंट ये तो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग फंडे है ही, लेकिन फ्यूचर दिखाकर, रिजल्ट दिखाकर लोगों को क्लोज करना जरूरी है। जो ऑफर विफर के ऊपर डिपेंड रहोगे तो कम तो सिर्फ ऑफर के टाइमिंग में बिजनेस होगा आपका, और ये रॉन्ग डुप्लीकेशन होगा बिजनेस में। अभी फॉलोअप में फॉलोअप क्यों लेना जरूरी है, क्योंकि फॉलोअप क्यों लेना जरूरी है, हो सकता है सामने वाले पर्सन को हम हेल्प कर रहे हैं डिसीजन लेने के लिए, उसको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ डाउट होगी इसलिए वो डिले कर रहा है, तो हम लोग फॉलोअप कर रहे हैं, मतलब पीछा नहीं कर रहे, हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं डिसीजन लेने के लिए। तो फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है, और फॉलोअप के अंदर रिकॉर्ड मेंटेन होना जरूरी है। फॉलोअप के अंदर फ़ोन नहीं उठाया तो क्या करना चाहिए, फ़ोन उठा के वापस रीज़न दे रहा है तो फिर उस टाइम पे फ़ोन कैसा करना चाहिए, या पहला ही फ़ोन कैसा करना चाहिए। लोग डायरेक्ट फ़ोन करते हैं, हाँ कल हम मिले थे, क्या कैसा हो गया, नहीं तो फॉलोअप करने की टेक्निक सही। फॉलोअप के अंदर कॉलिंग ऐसा होना चाहिए जो 1-1.5 घंटा आपने प्रेजेंटेशन के अंदर जहाँ पे टॉक हुआ, वह सरफेस 2-3 मिनट का टॉक होने के बाद कैश मांगना जरूरी है।
तो ये पहला कॉल, दूसरा कॉल, तीसरा कॉल ऐसे फॉलोअप में होते हैं। फोन नहीं उठाए तो क्या करना है, घर जाना है क्या, दूसरा कॉल कब होना चाहिए, ये प्रैक्टिकली फील्ड पे काम करने वाले लोगों को एक्जैक्टली पता होता है कि क्या करना चाहिए। तो ये फॉलोअप के अंदर लोगों को ट्रेन करना जरूरी है, और सभी लोग ट्रेन हो गए तो नीचे वाले लोग जिनके थ्रू उन्होंने प्लान किए तो वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू सही फॉलोअप ले सकते, और फॉलोअप लेने का सही तरीका क्या है उनको सिखा सकते, और फॉलोअप लेना कैसा है ये आप ऐसा करो ये सिखाने से अच्छा कि पर्सनल खुद की स्टोरी बात लो कि आपने कैसा फॉलोअप लिया, तो ये परफेक्ट टीचिंग जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये फॉलोअप के अंदर रिजल्ट इंकैशमेंट आएगी, उसके बाद फॉलोअप के अंदर क्या होगा हमारा जो बिजनेस बूस्ट होने के जो कैलकुलेशन आते हैं वो कहाँ कहाँ से आएंगे, कस्टमर से फास्टैग लाना है, दूसरी बात डिस्ट्रीब्यूटर को फास्टैग में कन्वर्ट करना है। बिजनेस में अगर 70-80% फास्टैग के ऊपर आप फोकस करते हो तो बिजनेस सिक्योरिटी स्टेबिलिटी जाएगा, लेकिन फास्टैग के ऊपर किन का काम होगा, जिन्होंने परफेक्ट स्किल के अंदर अपडेट किया है, नॉलेज के अंदर अपडेट किया है, प्रोफेशनलिज्म में अच्छा क्लास में बिजनेस लेके जा रहे हैं और फैमिली के अंदर बिजनेस है, ऐसे लोग फास्टैग के अंदर ही बिजनेस बूस्ट करेंगे। लेकिन जो लोग ये सभी चीज़ों के अंदर कुछ ना कुछ माइनस है तो वो लोग फास्टैग से बिजनेस नहीं होगा तो इनकम करने में, येलो बिल लेने में, हाउस बोनस जाने में तकलीफ हो सकती है। तो मेरी सभी को रिक्वेस्ट है जब आपके डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस में आते हैं 1,000, 2,000, 4,000, 5,000 रुपये से, उसके बाद जो कस्टमर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो फास्टैग तक लेके ही जाना है, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सिखाने में। मैं इतनी बोल रहा हूँ ये सब नोट करके आपके लैंग्वेज में आपको सिखाना जरूरी है लोगों को आपके टीम में, तभी इंडिपेंडेंट लोग बनेंगे, पैसिव पे जाएंगे। तो ये फॉलोअप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद ऑफिशियल वर्क, अभी तो पैसा आया है, फिर पैसा आया तो बैंक में डालो, फिर उसका वॉलेट का ऑर्डर कैसा देना है, वॉलेट कैसा लेना है, लॉगिंग कैसा करना है, फिर प्रोडक्ट की जो चूज़ करते हैं ना क्लोजिंग में आप, ये प्रोडक्ट तो आपके सजेशन से लोग प्रोडक्ट लेंगे तो वो प्रोडक्ट ऑर्डर कैसा प्लेस करना है, फिर शॉपी का नंबर, ऑफिस का नंबर, ईमेल कैसा भेजना है, या बैंक के NFT कैसा चार्ज करना है, संडे सैटरडे को कैसा पेमेंट बैठते हैं, ये छोटी छोटी स्किल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है तो वो सिचुएशन कैसा मैनेज करना है, वो सिचुएशन पे पॉजिटिव एडिफिकेशन कैसा करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पे अगर कुछ लोग पैसे का गड़बड़ कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी का मिसिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप ऑफिशियल कामों में स्ट्रिक्ट रूल के बारे में बात कर सकते हो। तो प्रोडक्ट सही ढंग से सही टाइम पे डिलीवरी देना बहुत लोगों को इम्पोर्टेंट है। ऑर्डर आने के बाद जब सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका पैन अपडेटेड है क्या, बैंक डिटेल अपडेटेड है क्या, या पैन अपडेट नहीं होगा 20% डिटेल जाएगा, डिटेल नहीं होगी तो उनको पेमेंट जाएगा नहीं, फिर उनके थ्रू प्लान हो गया क्या, नहीं होगा, उनका 1-3 महीना पेमेंट डिले जाएगा। और फिर बहुत बार इस ये गलती करते हैं लोग, सिर्फ अपने आइडिया का सब कुछ देखते हैं लेकिन डाउनलाइन का कुछ नहीं देखते, और फिर डाउनलाइन उनको रिस्पॉन्स नहीं देते और इनको पता नहीं चलता कि डाउनलाइन ऐसा क्यों कर रही है। तो ऑफिशियल वर्क में आईडी के अंदर लॉगिन हो, ईमेल्स हो, आउट ऑफ स्टॉक हो, ये सब चीज़ें ऑफिशियल वर्क के अंदर लोगों को आपके ट्रेन करना जरूरी है। आपको आना चाहिए उन लोगों को जिनको इंडिपेंडेंट बनाना है, उनको भी इसके अंदर जल्दी से जल्दी ट्रेन करना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है गेट स्टार्ट आफ्टर परचेस प्रोसेस या BTP प्रोग्राम। मतलब अभी पूरी जब नया पर्सन आता है तो उसका गोल सेट कैसा करना है, उसको सपना दिखाओ सपने पूरे करने के लिए, फिर क्या है जॉब ऑप्शन है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या बिजनेस ओनर हो या इन्वेस्टर हो, फिर जॉब के प्रॉब्लम दिखाओ क्या क्या प्रॉब्लम है, जॉब के अंदर 8 घंटा टाइमिंग है, पूरी जिंदगी भर काम करेगी तो 80-90 हज़ार घंटा काम होगा, और फिर 40 साल एज है, फिर उसके अंदर क्या क्या करना है, फिर इनकम माइनस एक्सपेंसेस क्या होगा, फिर बैलेंस है इतना, तो बैलेंस में ये कैलकुलेशन करके तो टोटल इतना ही बचता है सेल्फ स्टोरी के अंदर आप बोल सकते हो। तो जॉब के अंदर पूरा आदमी निगेटिव हो जाता है जब नया पर्सन के गेट स्टार्ट करते हो। उसके बाद अगर देखेंगे तो जो आपके बिजनेस के प्रॉब्लम लोगों को बताओ, तो ये दो ही प्रोफेशन है ना मैक्सिममली, तो इससे क्या होगा लोगों का गोल सेट होगा, इससे क्या होगा लोगों को सनेज के अंदर एक क्यूरियोसिटी होगी, फिर उसके साथ प्रोडक्ट रिजल्ट हो या नए लोगों के पेआउट्स हो, कार हो या हमारे HR के इमेजेस हो, अच्छे अच्छे लोगों के शेयरिंग्स हो, जुड़ने के बाद लोगों का अगर ये दिखाएंगे तो उनका भी ड्रीम सेट होगा ना, ये गाड़ी लेना है, मुझे ऐसा घर लेना है या मुझे लाइफस्टाइल जीना है। तो नए लोगों का वेलकम सेशन बहुत पावरफुल होना चाहिए, नए लोगों का माइंड तैयार करना जरूरी है, किस लिए, ट्रस्ट देने के लिए लोगों को। ट्रस्ट डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है नए डिस्ट्रीब्यूटर की, तो ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है, डर निकलना चाहिए, जब ना बोलेंगे लोग हंसेंगे, लोग ये नए लोगों को आदत नहीं होती, उनको ABCD अब का सिखाने की जरूरत है, लेकिन हम लोग नए जो लोग आते हैं ना उनके ऊपर प्रोसेस ही नहीं होता, नहीं प्रोसेस हुआ जिसके ऊपर वो 2-4 लोग मिलाएगा और फिर छोड़ देगा बिजनेस। तो नए लोगों के ऊपर ये प्रोसेस करके डेली स्टडी के अंदर लोगों को डालेंगे तो नए जो आने वाली फली वाले हमारी ट्रेन होती रहेगी।
जैसे स्कूल कॉलेजेस में जो भी बच्चे नर्सरी के जूनियर सीनियर केजी में आते तो वो ऊपर 10वीं 12वीं तक आता है ना आदमी, तो हमारे बिजनेस में जो भी लोग नए आ रहे वो आते ही बाईपास नहीं होने चाहिए, लेकिन कब होगे जगह अगर आप ये आफ्टर परचेस प्रोसेस की एक्टिविटी नहीं करोगे। तो नया पर्सन को हमारे प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट मिला, कंपनी के ऊपर ट्रस्ट मिला, इनकम मिल रहा है, इनकम के रिलेटेड सुना, सक्सेसफुल लोग कार भी ये सब देखेंगे, और फिर जॉब के अंदर प्रॉब्लम, फिर धंधे के अंदर प्रॉब्लम, फिर सनेज कितना ईजी है, क्यों करना चाहिए, ये लोगों ने किया, देखो ये इनकम ऐसा क्लोजिंग के अंदर जैसा कैश निकालने के लिए करते हो, ये डिस्ट्रीब्यूटर का अगर आपने सही ढंग से क्लोजिंग किया, गोल सेट किया, तो इसने फास्टैग निकालने होगा तो फास्टैग निकलेगा गोल सेट में, अगर लिया होगा तो रिपीटेशन में डालेगा और प्रोडक्ट यूज़ करना चालू करेगा। तो आफ्टर परचेस प्रोसेस में प्रोडक्ट के अंदर हाईलाइट कर सकते हो, रिजल्ट के अंदर हाईलाइट कर सकते हो, तो ये आफ्टर परचेस प्रोसेस के अंदर लोगों को बेसिक छोटे छोटे चीज़ें दे सकते हो, प्रोडक्ट यूज, प्रोडक्ट शेयर की टेक्निक हो सकती है, उसके बाद नॉर्मली लिस्ट के ऊपर टॉक कर सकते हो, और फिर इन्विटेशन वगैरह, ये तो चलते चलते बेसिक सीखना है, उनको बहुत बॉम्बार्डिंग करेंगे उधर तो वो लोग डैमेज हो जाएंगे, तो उन लोगों को चलते चलते मोटिवेटेड ये टॉक करके आपको आफ्टर परचेस बीटीपी प्रोसेस आपकी हर टीम में इंडिपेंडेंट लोग करने चाहिए, तब मजा आएगा। लेकिन सिर्फ प्लान देने आ रहा है, कैश निकालने आता है प्रोडक्ट, लेकिन जो लोग आ रहे हैं वो टिक ही नहीं रहे, उनके थ्रू लोग मिलेंगे कैसे? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होम मीटिंग्स, ये जो नए आफ्टर परचेस प्रोसेस बीटीपी प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे लोग घुसने चाहिए, जो भी नया लोग आ रहा है इसके अंदर से जाना चाहिए, तो आफ्टर परचेस प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको फॉलो करना जरूरी है। अभी इसके बाद क्या आता है, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर 6x6 का फॉर्मूला। तो आप अगर स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के हिसाब से, मतलब एक महीने में नया बंदा है, पहले ही महीने में अगर उसको सिल्वर बनाते हो या 10-10 हज़ार पीवी 6 लेख चलाएंगे तो 60-70 हज़ार पीवी मिलेगा, सिल्वर डायरेक्टर बोनस बढ़िया मिलेगा। अगर वो पर्ल बनता है तो 5 लेग में साइड वैल्यू माना चाहिए 10-10 हज़ार पीवी का, और 1 लेख से 70-80 हज़ार जाके पर्ल का वो येलो भी मिलना चाहिए। अगर एमराल्ड बनता है तो 2 लोग से आप उसको येलो भी और 4 लेग से उसको साइड वैल्यू मिलना जरूरी है। गोल्ड में जाता है तो 3 लेग से साइड वैल्यू। तो ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के ऊपर बात करना जरूरी है। दूसरी बात, येलो भी माइन में जानना जरूरी है। सर सिल्वर डायरेक्टर बोनस यानी येलो भी लाइफ ऑफ बिजनेस, ये पॉइंट डालना जरूरी है। तो ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर हुआ। उसके बाद टीम वर्क के अंदर काम करना है। तो ये जो आपके इंडिपेंडेंट लोग हैं तो उनको टीम वर्क के रिलेटेड भी काम करना जरूरी है। टीम वर्क के साथ काम करेंगे तो कितना बड़ा इतिहास बनता है, टीम वर्क से कितने प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, ये दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बिजनेस हुए तो टीम वर्क के ऊपर टॉक होना चाहिए। ये सब पॉइंट मैं ऑलमोस्ट सरफेसली आपको 10 कोर स्टेप के अंदर बोल रहा हूँ, लेकिन डेप्थ स्टडी स्टेप टू स्टेप बोल रहा हूँ। उसके बाद अपलाइन डाउनलाइन काउंसलिंग, मतलब अपलाइन जब भी काउंसलिंग करके लेना जरूरी है, जब प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं होता है या निगेटिविटी आता है या कुछ डाउट्स आता है तो काउंसलिंग करके लेना जरूरी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर सभी, जो ड्रेस कोड हो, टूल्स हो, एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट हो, सुबह उठना हो, अच्छी आदतें हो या बुरी आदतें रिमूव करना हो, मेडिटेशन हो, सुबह योगा हो या एक्सरसाइज हो, डेली स्टडी हो, इसके अंदर आपको टॉक करना है। और कुछ गलतियां हो रही है, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं तो वो पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर आप डाल सकते हो, बुक रिकमेंड कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप YouTube चैनल पे कौन सा डेटा कब देखना है, प्लेलिस्ट कैसे देखना है, YouTube का जो चैनल के ऊपर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट पे कैसे जा सकते हो, वीडियो कौन से वीडियो कैसे कब किसको दिखाना चाहिए, क्लोजिंग में डेटा कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटर नया कौन सा है, इंडिपेंडेंट लोग कौन सा है, तो ये आप पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर आप उन लोगों को सिखाना बहुत जरूरी है। बहुत बार हमें पता होता है लेकिन नीचे वाले लोगों को पता नहीं होता। तो चैनल के अंदर वीडियो कैसे सर्च करने हैं, कौन से देखने हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आपके टीम में आप ये सिखाना बहुत जरूरी है। ये आता है सब पर्सनल डेवलपमेंट में। उसके बाद आता है और एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा इसेंशियल, 13 इसेंशियल के पॉइंट है, आपको पता है। इसके अंदर जो पॉइंट आपको लगता है 13 इसेंशियल के पॉइंट हो या 8 कार्डिनल रूल हो या 7 गाइडलाइन हो, इसके अंदर आपको जो लगता है कि आपकी टीम मिस्टेक कर रही है वो पॉइंट के ऊपर टॉक करके वो मिस्टेक रेक्टिफाई करना है। आपके जो लोग कर रहे हैं सभी पॉइंट के ऊपर बोलना चालू करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ बात एक थेरिकली होगी और कुछ उसका मीनिंग नहीं होगा। तो आपको जो एनालिसिस होता है कि कुछ लोग फाइनेंशियल गलतियां कर रहे हैं या कुछ लोग ईगो आ रहा है, कुछ गलत संग में जा रहा है या कम्युनिकेशन नहीं करता है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन नहीं है, तो इसके ऊपर आपका टॉक जरूरी है। या ट्रेनिंग मीटिंग में कमिटमेंट ब्रेक करता है या पैसे के व्यवहार गलत करता है, तो ये पॉइंट के ऊपर आपको टॉक करना है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आईडी होल्ड और ब्लॉक। आईडी होल्ड होगा, ब्लॉक होगा या सिस्टम से आउट कब किया जाएगा, तो कोई भी स्नैचिंग करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आईडी होल्ड
ब्लॉक या सिस्टम शाउट कब किया जाता है, जब कोई स्नैचिंग करेगा तब, और दूसरा पार्ट अपलाइन डाउनलाइन और क्रॉसलाइन से कंप्लीट आने के बाद। तो सिस्टम फॉलो करना बहुत जरूरी है, ये सभी आपके आईवीओ में लोगों के माइंड में डालना जरूरी है, नियम ये रूल है अपना। और दूसरी बात जो हमारी ESCSI की टॉप क्वालिटी है लीडरशिप के जो पॉइंट्स है, ESCSI जो सक्सेसफुल लीडर्स की कुछ कौन सी क्वालिटी वो क्वालिटी के ऊपर या 10 लीडरशिप की है हमारा ESCSI के इंग्रेडिएंट के अंदर, ये सभी चीज़ आते हैं। इनके अंदर आपको ऐसे पॉइंट के ऊपर बोलना है कि जो लगता है आपके टीम में वो मिसिंग हो रहा है, ये सिस्टम वो फॉलो नहीं कर रहे, ये पॉइंट के ऊपर टॉक करना है। और उसके बाद सभी चीज़ आता है उसके अंदर, येलो भी मैक्सिमम मैच ओवर करना, इवेंट प्रमोशन करना, CEO हो, BTP हो, फंक्शन हो, RTP हो, LDP हो, ये माइंड डाल के रखना जरूरी है कि आपके लोगों ने हर जगह पे हर मीटिंग ट्रेनिंग की जो भी पब्लिकली जो भी ट्रेनिंग मीटिंग ऑनलाइन ये जब भी होगे तब आपका पहला प्रायोरिटी होता है कि सब जगह पे लोगों को डालना जरूरी है। तो प्रमोटिंग इवेंट्स, मैक्सिमम मीटिंग ट्रेनिंग में लोगों को इन्वॉल्व करिए ताकि उनका टाइम, उनका एनर्जी, उनका मनी होगा। और ये सब पावर पैक अगर आप सही ढंग से एक्टिव रोल में आप लोगों को परफेक्ट बनाओगे डिसिप्लिन के साथ, तो यही चीज़ आपके टीम में अगर आप सिखाते हो तो आपके टीम में उनके टीम में नीचे एक्टिव लोग बनेंगे और इंडिपेंडेंट वो पैसिव पे जाएंगे। फिर पैसिव इनकम के रोल आपको पता है, ये वीकली इनकम के लोगों के गोल सेट करना, फिर IBO ट्रेनिंग देना, फिर होम मीटिंग करना, करवा के लेना, फिर कम्युनिकेशन टारगेट को पुश करना, फिर खुद का एक्टिव वर्क करना, तो ये सभी चीज़ों के ऊपर, फिर प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो, हेल्थ ट्रेनिंग्स हो, इसके ऊपर पुश करना जरूरी है। और आपके IBO ट्रेनिंग में आपको छोटे छोटे अगर लगता है आपको कि कई जो जगह पे CEO चल रही है, आपको लगता है कि होम CEO या छोटा 50-100 लोगों का CEO लेना चाहिए ताकि मैक्सिमम प्रेजेंटेशन होगा, तो ये एक्टिविटी डिस्कस कर सकते हो। उसके बाद आपके टीम में आप डिसाइड करो कि एक महीने में कम से कम 5-6 ट्रेनिंग्स, 6-7 ट्रेनिंग आप ये 45 मिनट एक घंटे का 3-3, 4-4 प्रोडक्ट का देने का, चलते चलते रात को 8-9 बजे टाइमिंग देकर, उससे लोग तैयार भी हो जाएंगे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के ऊपर। या कुछ आप बेसिक चीज़ें जब होम मीटिंग करते हो नए लोगों की प्रोसेस करने के लिए क्या करना चाहिए, आफ्टर परचेस प्रोसेस के अंदर जो पॉइंट है, तो आपके टीम के लोग पुश करके 2-2, 3-3 लोग ये मीटिंग कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है अभी ऑफलाइन के ऊपर हॉल के अंदर घर के अंदर लोग घुसना जरूरी है, होम टू होम जाना जरूरी है। इतने सारे पॉइंट मैंने इतने सारे कम पीरियड में कवर किया है, तो आपको ये पॉइंट 1-2-3 बार सिर्फ सुनना नहीं है, जब आप सुनते सुनते आपके पॉइंट के ऊपर स्टेप टू स्टेप लिखना जरूरी है। जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ LDP में मैंने कवर किए, और यही LDP के पॉइंट जो IBO के पॉइंट्स है, यही पॉइंट्स के ऊपर अगर आप IBO ट्रेनिंग लेते हो, रेगुलर अप्लाई करते हो, तो धमाका होगा, वह जबरदस्त दिंगाना होगा। तो ये सब पॉइंट के ऊपर नंबर वन लेवल पे कम्बो पैक में आपको ट्रेनिंग लेना है। तो हमारे एक्टिविटी होती है CEO के अंदर लोगों को डालो, BTP के अंदर लोगों को डालो, प्रोडक्ट ट्रेनिंग के अंदर लोगों को डालो, आपके पर्सनल प्रोडक्ट ट्रेनिंग ले लो, आपके पर्सनल CEO शुरुआत करो, फिर उसके बाद RTP में लोग इन्वॉल्व करो, आपके हेड पे छोटे 4 घंटे का 1 डे का ट्रेनिंग प्लान करो, फिर हमारी फंक्शन सीरीज होने वाली है, फिर RTP सीरीज होने वाली है, अभी LDP हुआ है, तो जल्दी हम लोग अलग अलग लेवल पे एक्टिविटी पे जाने वाले हैं। तो ये सब एक्टिविटी के अंदर लोगों को इन्वॉल्व करो, लोगों का माइंड तैयार करो लग्जरियस लाइफ जीने के लिए, छोटे छोटे कन्फ्यूजन लोगों के दूर करो। अगर जरूरत पड़ती है स्टार्टिंग में अगर कुछ बाइनरी जनरेशन का कन्फ्यूजन है तो वाई उसके ऊपर भी टॉक कर सकते हो, आपके क्यों जरूरी नेटवर्किंग क्यों जरूरी है उसके ऊपर भी स्टार्टिंग में आप जब वाई लोगों का सेट करना है लोगों का तो उसके ऊपर भी आप बात कर सकते हो। गेट स्टार्टर में भी ये पॉइंट ले सकते हो, वाई डायरेक्ट सेलिंग, फिर डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास अगर बताते आओगे तो आप चेन मार्केटिंग, क्रिप्टो विप्टो, इन्वेस्टमेंट प्लान के जो इशू आते हैं लोगों के माइंड में जो चीज़ें, वो आप स्टार्टिंग में भी इंडिपेंडेंट लोगों का गोल सेटिंग में डिस्कस कर सकते हो, बाइनरी जनरेशन क्यों जरूरी है, जनरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, और गेट स्टार्टर में भी अगर लगता है आपको तो ये पॉइंट आप ले सकते हो। तो ये सब कॉम्बो पैक है, इसको सही ढंग से अप्लाई करिए और आपके टीम को पुश करिए। थैंक यू वेरी मच।